नमस्कार, लोकतंत्र में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की। संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवम्बर को शुरू हुआ, जो कि 23 दिसम्बर तक शेड्यूल्ड था, लेकिन एक दिन पहले ही दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बीते चार दिनों की 13-5वें दिन भी विपक्ष लखीमपुर खीरी कांड पर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र चेनी के इस्तीफे पर अड़ा रहा। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बरकरार है, इसके चलते सत्र एक दिन पहले बुधवार को ही स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में मंगलवार को 5वें दिन हंगामा जारी रहा। हालांकि हंगामे के बीच सरकार ने विधायी कार्य निपटा लिए। समय से एक दिन पहले स्थगित हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें हुईं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि लोकसभा में 2 दिसंबर को 204% का रिकॉर्ड काम हुआ। सत्र के दौरान सरकार ने अध्यादेश से जुड़े सभी बिल पारित करा लिए। कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल पर सत्र के पहले दिन ही मुहर लग गई। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने संबंधी बिल, NDPS बिल, जजों के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें, CBI प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने, जननीय प्रजनन उपचार उद्योग विनियमन बिल को संसद की मंजूरी मिल गई। अलग अलग मुद्दों पर लोकसभा में 83 घंटे 12 मिनट के लिए चर्चा हुई। वहीं बेटियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने संबंधी कानून के लिए अब अगले बजट सत्र तक का इंतजार करना होगा। सरकार ने इससे जुड़े बाल विवाह निषेध संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करने के बाद इसे संसद की स्थायी समिति को भेजने की सिफारिश की। बिल पेश किए जाने के दौरान संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एकजुट विपक्ष ने इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि ये विभिन्न धर्मों के निजी मामलों में हस्तक्षेप है। विपक्ष ने बिल पेश करने से पहले इससे जुड़े हितधारकों से विमर्श न करने के लिए भी सरकार की आलोचना की। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि शादी के मामले में अब तक महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिला है, यह बिल लैंगिक समानता लाएगा। उन्होंने कम उम्र में विवाह के कारण होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस कारण महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही हैं। स्मृति ने कहा कि इस बिल से किसी धर्म के पर्सनल हितों का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने जिन 2 मुद्दों को सबसे अधिक उठाया वे थे लखीमपुर खीरी हिंसा और राज्यसभा से 12 सांसदों का निलंबन। राहुल गांधी के साथ विपक्ष के कई नेताओं ने किसानों को कुचलने के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर सदन को बाधित किया। सत्र के पहले 3 हफ्तों की 15 बैठकों के दौरान राज्यसभा ने 6 बैठकों के लिए प्रतिदिन 1 घंटे से भी कम समय तक कार्य किया। राज्यसभा में सत्र के पहले दिन ही 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा। निलंबित सांसदों ने संसद की कार्यवाही के दौरान प्रतिदिन संसद परिसर में धरना दिया। राज्यसभा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे और बार बार स्थगन के कारण उच्च सदन के कामकाज पर काफी असर देखा गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि निलंबित सांसदों को माफी मांगनी चाहिए, इसके बाद निलंबन खत्म करने की बात की जा सकती है। वहीं विपक्ष का कहना था कि निलंबित सांसदों की बिना माफी के वापसी हो। विपक्षी सदस्यों द्वारा दोनों सदनों में व्यवधान के कारण सत्र में 18 घंटे और 48 मिनट का नुकसान हुआ। मौजूदा सत्र के दौरान लोकसभा में 82% और राज्यसभा में 47% कामकाज हुआ। सत्र के समापन पर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कानून के खिलाफ जाते हुए सरकार द्वारा मॉनसून सत्र की घटना को लेकर शीतकालीन सत्र में कार्यवाही करते हुए 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सरकार की मंशा थी कि बिना चर्चा के बिल पास कराना और महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी घटना और पेगासस जैसे मुद्दों पर चर्चा से बचना। खड़गे ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के पास 120 सांसद हैं, जबकि NDA के पास 118 सांसद हैं।
अल्पमत में होने के कारण सरकार ने 12 सांसदों को निलंबित कर दिया। बहुमत हासिल करने के लिए ये तरकीब निकाली गई। ये सरकार की साजिश थी। उनका ध्यान ये था कि मेजॉरिटी कैसा बना लेना। इस मेजॉरिटी बनाने के लिए उन्होंने ये तरकीब ढूंढी कि लास्ट सेशन में जो लोग गड़बड़ किए थे उनका नाम इस सेशन में लेकर उन्होंने किया। तो ये एक साजिश सरकार की, और इसको वो अपने एजेंडा में लाकर किसी ना किसी तरह सारे कानून पास कर लेना भी चाहते थे। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शीतकालीन सत्र की समाप्ति पर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि संसद में विपक्ष ने जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं की और शोर शराबा किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं करना, आसन के पास आकर शोर शराबा करना और नियम पुस्तिका फेंकना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाग नहीं लेते हैं, शोर शराबा करते हैं, रूल बुक फेंकते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं समझता हूं 2019 का 2019 का जो जनाधार मिला है, मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में, वो पच नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सिर्फ 28% कामकाज हुआ था। इस दौरान सदन में 28 घंटे 21 मिनट कामकाज हुआ और हंगामे के कारण 76 घंटे 26 मिनट का कामकाज बाधित हुआ था। ये 2014 में राज्यसभा के 231वें सत्र के बाद व्यवधानों और स्थगनों के चलते 4 घंटे 30 मिनट के बाद प्रतिदिन औसतन सबसे ज्यादा समय का नुकसान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तय समय से एक दिन पहले ही खत्म हो गई। काफी हंगामेदार रहा ये सत्र, हालांकि 9 विधेयक भी पारित हुए हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, इसके अलावा विवेकानंद पाठक जी भी बीजेपी से हमारे साथ, इसके अलावा संजय चक्रवर्ती टीएमसी नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और विवेकानंद पाठक जी कांग्रेस से जुड़े हमारे साथ, माफी चाहूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस डिबेट की, और सबसे पहले मैं महेश वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। महेश वर्मा जी, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से एक दिन पहले ही सत्र का समापन हो गया है, काफी हंगामेदार ये सत्र रहा, हालांकि 9 विधेयक जरूर पास हुए इस दौरान। निश्चित रूप से व्यवधान भरा संसद का ये सत्रकाल रहा, और इसमें जो है विपक्ष की जो भूमिका थी वो कंस्ट्रक्टिव नहीं थी, सकारात्मक भूमिका के साथ वो नहीं आया था। कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जो कि पब्लिक से जुड़े हो, जनता से जुड़े हो, और उसको उठा के विपक्ष ने सरकार को कोई घेरने की कोशिश की है। बहुत ऐसे सेंसिटिव मुद्दे थे जिनके ऊपर विपक्ष को चाहिए था कि भाई उसके ऊपर अच्छे से बहस होती। संसद बहस के लिए है, मंथन के लिए, चिंतन के लिए, देश हित में हम क्या अच्छा कर सकते हैं। उस दृष्टि से जो है विपक्ष ने अपनी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई। मल्लिकार्जुन जी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये कहना कितना हास्यास्पद लगता है। आरोप तो हमारे ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन कमोवेश वो क्या कह रहे हैं कि हम जो है सत्ता पक्ष के ट्रैप में आ गए कि हम अपने 12 सांसदों का निलंबन करा के और उनको राज्यसभा में बहुमत की का अवसर दे दिए। तो दे दिए भाई, आपको किसी ने कहा था क्या कि आप ऐसा करो, आप किसी के साथ हाथापाई करो, बिल को फाड़ के फेंक दो, अपर कोर्ट है, बौद्धिक लोगों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा कहा जाता है राज्यसभा, राज्यसभा हमेशा इंटेलेक्चुअल के एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कहा जाता है देश के लिए, अक्सर ये इस तरह की घटनाएं लोकसभा में फिर भी देखी जाती है, ये कई बार हुई, लेकिन कभी राज्यसभा में इस तरह की घटना नहीं घटी जिसके लिए राज्यसभा के सदस्यों को निलंबित किया जाए, वो हाथापाई करें, वो मारपीट करें, वो बिल फाड़ के फेंक दे। टीएमसी सांसदों ने तो हद ही कर दिया,
पत्थर चढ़ा के मारना, पेपर वेट चला के मारना, बंडल फेंकना कागजों का, ये क्या है? इस तरह से आप विपक्ष की भूमिका अगर इस देश में तय होगी और यही आप लोग संसद में करेंगे, जो कि इस देश का लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है, जहां आप देश के लिए, देश की जनता के लिए, देश में अच्छे गवर्नेंस के लिए, जहां नीति नियम कायदे कानून ये तय होते हैं, वहां आप क्या तय कर रहे हैं कि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करने जी। अरे मुद्दों पे आइए ना जी, मुद्दों पे बात करिए, कौन मना कर रहा है। ठीक है महेश वर्मा जी, हम देखते हैं कि जो विपक्ष होता है वो लगातार हंगामा करता है। जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त बीजेपी भी इस तरह से हंगामा किया करती थी सदन में। चलिए ठीक है, विवेकानंद जी आप क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से काफी हंगामेदार ये सदन रहा है और एक दिन पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया। ना झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता, क्योंकि इनका जो बीजेपी नाम है ना, बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी वाले जो है वो टीवी से लेके सदन से लेके हर जगह झूठ बोलने का काम करते हैं। अब बताइए कि ये जो संसद चला रही है, पहले तो आप अपना, नहीं आप अपने आइए, वर्मा जी भाषा में थोड़ा संयम रख के बात करिए और एक इस तरह के ये संयम रख के आप बात करेंगे और एक एक करके बात करिए। महेश वर्मा जी आपको मौका मिलेगा बोलने का, विवेकानंद जी मैं बात कर, विवेकानंद जी आप थोड़ा सा भाषा में संयम रख के आप भी बात करिए, महेश वर्मा जी आप भी बात करिए, इनको पहले सिखाइए कि सलीका क्या होता है। ये अपनी बारी आएंगे तो अपनी बात रखिएगा, काउंटर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आपका। अरे अभद्रता से बात मत करो ना, फिर देख लीजिए भद्र तरीके से बात करो, पढ़े लिखे आदमी हो ना। महेश वर्मा जी अभी उन्हें बोल लेने दीजिए, फिर आपको भी मिलेगा बात करने का मौका, दे दीजिए पूरा इनको मौका, यही बड़बड़ाए यही बकबकाए, ये बड़ा ज्ञानी हुए हैं। विवेकानंद जी आप भी थोड़ा अपनी भाषा पे संयम रखिए और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी जा सकते हो, इस डिबेट में कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, झूठे लोग जा सकते हैं, सही तरीके से आप बात करें तो बेहतर होगा। तो जायरा जी मैं ये बता रहा था भारतीय, नहीं जायरा जी ये पहले माफी मांगे इस चीज के लिए, कभी बोलने दूंगा इनको, ये माफी मांगे, ये व्यक्ति तानाशाही है क्या, तानाशाही है क्या, नहीं तानाशाही क्या, तानाशाही है क्या। देखिए आप लोग ऐसे इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो देखिए हमारी डिबेट भी नहीं हो पाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। गाली देने के लिए आए हैं, देखिए आराम से बात करिए, शांतिपूर्वक अपनी बात रखिए, हैसियत नहीं है तुम्हारी, हैसियत देखिए क्या बोलिए। विवेकानंद जी अपनी भाषा पर संयम रखिए, मैं इल्तिजा करती हूँ आपसे, इस तरह के शब्दों का हम बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते और बिल्कुल इस तरह से आप बात मत करिए, ये बहुत गलत बात है जी। जी शर्म आनी चाहिए, बताइए ये पहली बार शायद आए हैं, इनको टीवी डिबेट का तरीका सिखाइए, जब जिसका मौका होता है उसको मोल ले दिया जाता है, बाद में ये काउंटर करें। मेरा कहना है कि भारतीय झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, जो हर मोर्चे पर, हर मौके पर, टीवी से लेकर सदन से लेकर बाहर तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ का प्रचार करती है, इनका चाल चेहरा ठीक ठाक है, किसानों के हत्यारे ये, महिलाओं के हत्यारे ये, महिलाओं के ऊपर किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, हिंसा हो रहा है आप देख रही है। और जब हमारे सांसद विपक्ष के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जिस लखीमपुर खीरी में किसानों को उनके गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुचल दिया, और एसआईटी की रिपोर्ट कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट में साफ साफ पता चला है कि वो साजिश था, षड्यंत्र था, हत्या था, इसके बावजूद भी गृह राज्य मंत्री वहां पर बने हुए हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए है, होम मिनिस्टर उनको अपने बगल में बैठा कर कहते हैं कि दूरबीन से देखने पर कोई अपराधी नहीं दिखता है। अरे भैया जब आपके बगल में अपराधी बैठा हुआ है तो दूरबीन से सामने कैसे दिखेगा, आपके बगल में है। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी संसद से गायब है और चुनावी रैलियां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि संसद नहीं चल रहा है। भैया संसद चलने की जिम्मेदारी और संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है। और विपक्ष जब यह मांग कर रहा है, रिटेन तौर पे हमारे कई सांसदों ने यह मांग किया, सदन में चर्चा होनी चाहिए किसानों के मुद्दों पर, सदन में चर्चा होनी चाहिए जो 700 किसान शहीद हुए उनके मुद्दे पर, सदन में चर्चा होनी चाहिए महंगाई के मुद्दे पर, सदन में चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी के मुद्दे पर। क्यों भागते हैं लोग, क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं उस पर सदन में चर्चा करा रहे हैं, क्यों सदन में चर्चा कराने से ये डरते हैं? सिर्फ इसीलिए, ये इनका एजेंडा है ताकि वो इस तरह की चीजें करके, ये क्रिएट करके, नैरेटिव करके, और चोरी से, चुपके से, उसी रास्ते से,
इस तरह के तमाम बिल अपने एजेंडे वाले ये पास कराए, जैसे कि किसानों का बिल पास कराया था, काला कानून जैसे इन लोगों ने पास कराया था, चोरी से टेबल के नीचे से लोगों को बंद करा के, और किस तरह से इनके जो बाउंसर घुस गए थे, प्राइवेट बाउंसरों को घुसा कर सांसदों के साथ मारपीट कराया गया था। और ये संसदीय गरिमा बताएंगे, जो संसद में नोट की गड्डी उठाते हैं ये लोग हमें संसदीय गरिमा की पाठ पढ़ाएंगे। कहा गया था उस समय आपकी मर्यादा, कहा गए थे आपकी सोच संसदीय गरिमा की, जब आप लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरीके से आप हंगामा करते हैं, तो जिस तरीके से एक दिन में करीब करोड़ों रुपए लगते हैं जो सदन में जो एक दिन की कार्रवाई होती है इसको लेकर, तो जनता का पैसा ही तो इसमें खराब होता है ना, जनता के पैसे पर ही इस पर आंच आती है इस तरह से आप लोग हंगामा करते हैं। तो जायरा जी सदन जो सदन में शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाने की बात की, तो क्या किसान जनता नहीं है जिसका अन्न खाते हैं हम, जिसके जिसके वजह से हमें बात रख सकते हैं शांतिपूर्वक मिलती है, से भी आप अपनी बात रख सकते हैं। इस तरह हंगामा करना, इस तरह से प्रदर्शन करना, जब सरकार नहीं सुनेगी तो सही, जब सरकार सुनेगी नहीं, जब उस मुद्दे पर सदन में बहस कराने की तैयार ही नहीं होगी, वो सिर्फ अपने एजेंडे पे काम करना चाहेगी, तो फिर क्या करेंगे? कौन सा रास्ता है हमें अपनी आवाज सुनाने का, कौन सा? और आवाज जब हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है और उसके बाद झूठा आरोप लगाया जाता है। बताइए, कह रहे हैं कि पत्थर मारते हैं, अरे भैया आपकी सिक्योरिटी होती है, कौन पत्थर लेके गया? ठीक है विवेकानंद जी, संजय चक्रवर्ती जी आपके पास आना चाहूंगी अब। चलिए ठीक है संजय चक्रवर्ती, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से काफी हंगामेदार ये सत्र इस बार रहा है, हालांकि 9 विधेयक जरूर पारित हो गए इस दौरान, आपको क्या लग रहा है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई, कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए पहली बात तो ये है कि जो मोदी जी पिछले 7 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वालों को नहीं झेल पाए, वो सांसद को कहां से झेलेगी? तो ये इनके मुद्दे होते हैं कि लगातार कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से मुद्दों से भटका करके अपनी एजेंडे पे काम किया जाए। आज तक ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 साल के अंदर, ये मन की बात कहते हैं और ये सांसद भी चाहते हैं मन की बात इनकी सुना जाए और हम लोग ना बोले, हम लोगों की बातचीत ना हो, हम लोग जो मुद्दे को उठाना चाहते हैं उस देश के सामने वो मुद्दे ना उठ पाए। इसी वजह से क्या होता है कि जो भी कोई आदमी अपनी आवाज को उठाना चाहता है ये दबाने की कोशिश है, ये तानाशाही, एक हिटलरशाही की सरकार है और वे ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। लोग कहते हैं कि 2023 में 24 में इलेक्शन होगा आम चुनाव, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि 2023 तक इसका चुनाव हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जो सीनेरियो चेंज होगा, जो इनकी हिटलरशाही जो होगी ना, हिटलरशाही खत्म होगी, उसके बाद ही इनको समझाएं कि जमीनी हकीकत क्या है। जमीनी हकीकत की इनको अभी पता नहीं है, अभी ये सोच रहे हैं कि हम भगवान के नाम पे वोट मांगे, हम काशी के नाम पे वोट मांगे, हम राम के नाम पे वोट, अरे विकास के नाम पे सरकार बन करके आपकी आई थी, विकास के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते? क्योंकि विकास के नाम पे वोट मांगने की इनके पास कोई ऐसा रोड मैप है ही नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं कि विकास के नाम पे वोट मांग रहे। इसीलिए अभी मंदिर मस्जिद और राम अल्लाह अब्बा जान औरंगजेब इन सब चीजों के ऊपर ये सब वोट मांगते हैं, इनके पास विकास का कहीं कोई एजेंडा नहीं। और पब्लिक अब समझदार है, पब्लिक समझ चुकी है 3 अक्टूबर को जो चुनाव हुआ था उपचुनाव में, जिनमें ये 2 सांसद ये हार गए लोकसभा के अलावा, और विधानसभा के चुनाव हारने के बाद इन्होंने पेट्रोल पंप का दाम, पेट्रोल का दाम कम होता आपको अच्छा से याद होगा, 3 अक्टूबर से पहले रोज पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, आज 43 दिन हो गए पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। ये एक बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि इनके अंदर एक दहशत आ चुकी है कि किसी तरीके से पब्लिक को शांत किया जाए, जो गुस्सा है इस पब्लिक के अंदर उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, मैनेज करने की कोशिश करें। और यही चीज चाहते हैं कि सांसद विपक्ष से ये सांसद लोकसभा या राज्यसभा में न बोले, और उसकी कोशिश ही जारी है किसी तरीके से, एक दिन पहले ही अचानक संसद को स्थगित भी कर दिया, ये है मेन कारण। जी शीतकालीन सत्र एक दिन पहले ही समाप्त हो गया है, काफी हंगामेदार ये रहा और तमाम मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। तो चलिए अब मैं महेश वर्मा जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। जैसे कि आपने ये बात कही कि जो हंगामा हुआ है कहीं ना कहीं विपक्ष की ये जिम्मेदारी है, इस तरह से हंगामा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ये याद दिलाना चाहूंगी उस वक्त यूपीए की सरकार थी, उस वक्त सुषमा स्वराज ने ये बात कही थी कि सरकार को ही सुचारू रूप से सदन को चलाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो आप ही की पार्टी की थी, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही है, सुषमा जी ने कही थी और मैं इस चीज से कहीं डिसएग्री नहीं हूं जी।
हमने भी जा रहा है जी लगभग 10 साल जो है पार्लियामेंट का मैंने किया, और अमूमन हम लोगों ने ये देखा कि सत्र जब शुरू होता था तो बीजेपी विपक्ष में थी, लेकिन जो जिनसे हमारे मतक्य मतलब जिनसे हम मतांतर रहते थे, जिनसे हम प्रिंसिपली एग्री नहीं करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमारे मित्र होते थे, उनसे भी बीजेपी के जो लीडर हमारे अटल जी हो गए, आडवाणी जी हो गए, प्रमोद जी हो गए, जब विपक्ष में थी तो कंसल्टेशन होता था, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में संसद में बीजेपी की उपस्थिति तो होती और उस समय सरकार को घेरने की एक पूरी रणनीति बनती थी, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था सत्र से पहले, और वो बीजेपी करती थी और सत्ता पक्ष के द्वारा भी किया जाता था, अजीत जोगी होते थे, उसके बाद भी और कई लोग थे, आनंद शर्मा दीप थे जो सत्ता पक्ष की तरफ से आते थे, कई बार प्रणव दा भी आते थे, और उससे पहले एक और काम होता था कि एक वर्कशॉप लगाया जाता था राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को, जब सत्ता पक्ष के जो ट्रेजरी के लोग थे उसमें जो प्रणव दा होते थे या इधर से और भी कई लोग होते थे, जो अपने सांसदों को ये बताते थे कि संसद में आपका आचरण कैसा होना चाहिए, और वो लोग जो लोग बताने वाले थे जायरा जी वो संसद में सबसे पहले आ जाते थे ताकि उनको फॉलो और लोग भी करें। यहाँ तो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और अपने आप को देश का बहुत बड़ा मतलब नेता और ये कह लीजिए कि जनहित के मुद्दों को उठाने वाला बहुत बड़ा लंबरदार कहने वाले राहुल गांधी की उपस्थिति देख लीजिए संसद में, ये सब चीजें तो ये सब कवायद तो बात किया है, सबसे पहली बात कि उस व्यक्ति की उपस्थिति ही ना के बराबर है। लेकिन प्रधानमंत्री भी तो नहीं उपस्थित हो रहे हैं, इस बात का मुद्दा भी तो राहुल गांधी ने उठाया था, प्रधानमंत्री भी तो एक भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं संसद में है, और उस संसद में उनके ना रहने से राहुल गांधी को झप्पी डालने का या और अवसर जो उनको भला बुरा कहने का या उनके साथ गाली गलौज करने का या उनके साथ मारपीट करने का या मुर्दाबाद का नारा लगाने का ये मौका अगर हम नहीं दे रहे हैं और इसके लिए उनको पछतावा है तो वो इस चीज को वो समझे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप जनहित में कितनी ऐसी नोटिस आज विपक्ष के हमारे मित्रों ने दिया जिसके ऊपर आप संसद सबका होता है। चलिए ठीक है, विवेकानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, ठीक है विवेकानंद जी की बात सुन लेते हैं, कहिए विवेकानंद जी। जी जयरा जी, सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग आज ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान देने की बात कर रहे हैं, जरा उनको बैक होके जाना चाहिए 2004 से लेकर 2014 तक, 10 साल यूपीए की सरकार थी, यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा था जब विपक्ष ने काम नहीं करने दिया था संसद में, जब सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था संसद को और देश की संसद का नुकसान सबसे ज्यादा हुआ था 2004 से लेकर 2014 तक, पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा था, और संसदीय गरिमा की बात ये कर रहे हैं, देश की जो जनता का मुद्दा है, जो कोविड का मुद्दा है, क्या ये देश की जनता का मुद्दा नहीं है? किसानों का मुद्दा देश की जनता का मुद्दा नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जो पेगासस है, और पेगासस विपक्ष पे कम अपने ही लोगों पे ज्यादा ये चलाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, गडकरी जी की बात सुनने के लिए, राजनाथ सिंह की बात सुनने के लिए कि उनके मंत्रालयों की क्या डील हो रही है, उसके प्रयोग के लिए पेगासस लेके आए थे, और यदि विपक्ष के सांसद उस मुद्दे पर देश की सुरक्षा पर निजता पर यदि सवाल खड़ा करने के लिए संसद में बहस चाहते हैं तो क्या ये सरकार का फर्ज नहीं होता है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कराए? मतलब कोरोना में आपने देखा कि कोविड में फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में किस तरीके से देश के इतने हालात बुरे थे स्वास्थ्य स्तर पे, वह मोक्षदायिनी गंगा सौवाहिनी गंगा बन गई थी, लोग किस तरीके से त्राह इमाम कर रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे। मुझे तो आज भी वो सीन याद है आगरा का, जब एक पत्नी अपने पति के मुंह में ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी और वो दम तोड़ दिया उसी ऑटो रिक्शा पे। ये निर्लज्ज सरकार जिसको जरा भी मतलब इसके अंदर जरा भी दया नहीं है, उसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बनारस में एक बेटा अपने मां के चरणों में दम तोड़ देता है ऑक्सीजन के अभाव में, और यदि इस तरह के सारे मुद्दों पर विपक्ष चाहता है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, सदन में बात होनी चाहिए, तो क्यों सरकार घबरा रही है? सरकार सिर्फ इसलिए घबरा रही है
ताकि सरकार की जो सच्चाई है ना, जो सोचिए 5,000 करोड़ का प्रचार प्रसार इन लोगों ने किया है, 5,000 करोड़ ये सिर्फ प्रचार प्रसार में खर्च हुए हैं। ये प्रचार जीवी लोग हैं और प्रचार पे ही इनकी टिकी हुई है सारी चीजें। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करने वाली सरकार है, इसको कोई जनता से सरोकार नहीं है, कोई सदन से सरोकार नहीं है, किसी तरह के संसदीय परंपरा का सरोकार नहीं है। और ये लोग मतलब सोचिए, कल्पना करिए कि जो अन्नदाता, जो अन्नदाता जिनके वजह से हम सबको, आपको सबको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी दो वक्त की रोटी मिलती है, उन अन्नदाताओं के मुद्दे पर ये सरकार चर्चा नहीं करा रही है। 700 किसान शहीद हो गए, उन किसानों को उनके आंदोलन के दौरान आतंकवादी कहा गया, बाहरी कहा गया। ये मुद्दा आप लोगों का है कि चर्चा क्यों नहीं की जाती, इसी को लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा था। महेश वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं वहां पर, महेश वर्मा जी, लेकिन यहाँ पर ये बात तो है ना, चर्चा नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन तो है ही ये, क्योंकि चर्चा होना तो जरूरी है ना, कुछ भी अगर आप लोग बिल पारित कर रहे हैं या फिर कुछ भी विधेयक ला रहे हैं तो चर्चा तो हम चाहते। सरकार ने ये थोड़ी कहा कि विपक्ष चर्चा से भाग जाए। अब ये जितनी ये अनर्गल बात कर रहे हैं, ये कहने की हिम्मत इनके नेता की क्यों नहीं थी, पार्लियामेंट में नोटिस क्यों नहीं दिया? पार्लियामेंट इनके घर का कोई वो दलान तो नहीं है ना, चौपाल नहीं है ना कि वहाँ जो चाहे। अब ये जैसे आप जी सदन में नोटिस एक नहीं, छह नोटिस हमारे सांसदों ने दी है। विवेकानंद, ये झूठ बोल रहे हैं, ये माफी, इनसे माफी मंगवाऊंगा अगर ये साबित कर दिए तो। अगर ये आप लोग हैं शर्मा जी, झूठे आप हैं, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, झूठ बोला, 15 लाख कहाँ है, झूठ बोला। चलिए ठीक है विवेकानंद जी, आप अपनी बात रख चुके हैं, अभी फिलहाल आप शांत रहिए। 4 अगस्त को आगे जो आदमी कोरोना के ऊपर ये इतनी बात कर रहे हैं, आखिर में वो नोटिस देते, इस बात का क्या जवाब देते जायरा जी कि मैंने तो 4 अगस्त को जो है डबल डोज लिया, सिंगल डोज लिया कोरोना का। उससे पहले इसी कोरोना को लेके कहते थे कि ये किसी गाय के बछड़े को मार के इन्होंने बनाया है, इनके ऑफिशियल ट्विटर है, इनके पीआर। अच्छा, ये वो ज्ञान बता रहे हैं। उसके बाद चलिए ठीक है, अब संजय चक्रवर्ती जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब जिस तरीके से हमने देखा कि एक दिन पहले ही सत्र की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, लेकिन काफी हंगामेदार सत्र ये रहा, आपको क्या लग रहा है, विपक्ष या सत्ता पक्ष, आखिर किसकी जिम्मेदारी होती है सुचारू रूप से सदन को चलाना? देखिए, जैसा कि मैं भाजपा के प्रवक्ता को ही कोट करता हूं जी, ये सत्ता पक्षी जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, विपक्षी जिम्मेदारी नहीं होती है। विपक्षी जिम्मेदारी है लेकिन सत्ता पक्ष मैनेज करती है उन सब चीजों को लेकर के, किस तरीके से सरकार चलाई जा सकती है, अपना संसद कैसे चलता है। अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पहले के जमाने में 1998 में अटल जी, आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी के बाद प्रमोद महाजन जी, ये सब जो है बैठ के मीटिंग करते थे, सीनियर लोग बैठ के मीटिंग करते थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, सत्ता पक्ष का भी होता था, विपक्ष का भी होता था। अब कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, विपक्ष तो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है? 7 साल हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। प्रेस को झेलने की ताकत नहीं है, जो प्रेस को झेलने की ताकत नहीं है संसद को कैसे झेल पाएंगे? क्योंकि उनको पता है संसद में अगर हम खड़े हो गए, इसीलिए भागे भागे फिर रहे हैं, कहीं इवेंट कर रहे हैं काशी में जाकर के, वहां पे काशी में भगवान भी इनका इंतजार करता है, क्या क्या गोदी मीडिया कुछ कैसे कैसे बैनर छपा रही है, काशी इंतजार कर रहा है मोदी जी का। भाई भगवान इंतजार करता है जहां मोदी जी का, हम लोग कहां, हम लोग तो आम इंसान है, हम लोग तो बहुत बहुत कीड़े मकोड़े हैं, हम लोग तो केवल एक ही ताकत है जिस वोट का ताकत, जिसके थ्रू जनता इनको अच्छी तरीके से जवाब देगी। केवल केवल भगवान और जवान के पीछे छुप करके सरकार नहीं बनती है, सरकार विकास पे, धरती पे, जमीन पे उतर करके बनती है, और धरती पे इनका कहीं कोई काम नहीं है। और यही वजह है ना ये सांसद चलने देते हैं, ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मन की बात कह करके ये शांत हो जाते हैं। इसी वजह से देखिएगा कि 2022 का जो चुनाव होगा वो एक सेमीफाइनल होगा, उसके बाद सिनेरियो बहुत सारी चेंज होगी, क्योंकि एक भी ऐसा सत्ता जगह नहीं है जहां पे इनकी सत्ता दोबारा वापस आ जाए। चलिए ठीक है, वक्त ही बताएगा, देखते हैं सत्ता दोबारा वापस आती है या नहीं, जनता बखूबी समझती है। सुन लीजिएगा, मैं थोड़ी सी थोड़ा सा क्लियर कर दूं,
दो जगह सत्ता इनकी वापस दो जगह सत्ता बनी, वो था असम और पुंडचेरी, जहां पे कांग्रेस थोड़ा सा वीक था और दूसरा कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं था, इसकी वजह से वो वापस आ पाई। अब की बार वो बात नहीं बनने वाली। अब तो और भी बहुत सारा जो है इन्होंने कचरा कर रखा है पूरी तरीके से, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, हर चीज जो है इन्होंने कचरा कर रखा हुआ है। विकास के नाम पर आज ये नमक बांट रहे हैं, उसमें भी मोदी और योगी की बड़ी बड़ी फोटो छाप रहे हैं। आप सोचिए अब सत्ता कहाँ गिर पड़ी है, जहाँ लैपटॉप पे ये फोटो देख करके अखिलेश यादव जी को कोसा करते थे, आज नमक पे उतर आए हैं। अब बताइए कहाँ तक और कहाँ तक गिरेंगे ये बड़ा। हमने तो पिछले परसों भी डिबेट में मैंने ये बात कही थी कि इनका बस चलता तो गेहूं और चावल के दाने पे भी जो है मोदी योगी जी का फोटो छपा देते। तो ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं, इनका धरातल इनको पता चल चुका है और जमीनी हकीकत पता है। अभी इसी वजह से ये अभी देखिएगा बजट सत्र को भी ये चलने नहीं देंगे, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। वो अपने मनमानी के हिसाब से चीजों को पास कराएंगे, चलने नहीं देंगे कहीं भी किसी भी तरीके से। ठीक है, विपक्ष इनके सामने चलिए पूछ लेते हैं महेश वर्मा जी, इस तरह के आरोप अक्सर लगते हैं आप लोगों के ऊपर क्योंकि आप दूसरे के नहीं सुनते, अपनी बात रख देते हैं और चलिए ये हो गया और ये फाइनल है और अब इसमें कोई चर्चा नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं होगा, बस अब ये हमने ये फैसला ले लिया है। इस तरह के आरोप हमेशा बीजेपी के ऊपर लगते आए हैं। ये खाता नहीं, जो आज का आपका मुद्दा है ना, आज की जो आपकी बहस है जी, मैं निश्चित रूप से उसी पे रह के अपनी बात रखूंगा जी। देखिए आज संसद का जो है श्रावण हुआ है और उसके उपरांत जो हमारे जहन में बात आती है वो आपके दर्शकों को मैं जरूर शेयर करूंगा। देखिए एक जो सबसे बड़ा विपक्ष का जो ताकत होता था ना, उस अवसर को विपक्ष ने जो है वो इस विपक्ष का जो अभी हाल में जो विपक्ष का रवैया है वो जो उसका एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी होती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, वो होता है शून्यकाल और प्रश्नकाल, जिसके जरिए वो जो है वो अपनी बातों को रख के पूरे सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करता है और यही कारण है कि सरकार जी कई बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्नकाल और महेश वर्मा जी काल की वजह से, महेश वर्मा जी यहाँ पर एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी। विवेकानंद जी क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन में? जारा जी मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता ने कहा कि इनको माफी मांगना चाहिए, कांग्रेस के सांसदों और विपक्ष के सांसदों ने नोटिस नहीं दिया, ये है पढ़ लीजिए यदि थोड़ा सा पढ़ते होंगे तो। और यदि आप वही पढ़ते होंगे कि नहीं आजादी लीज पे मिली है या 2014 के बाद की आजादी है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब यदि पढ़ना जानते हो लिखना जानते हो तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दूसरी चीज तो आपने बात कही ना जायरा जी, ये आभद्र तरीके से बात ना करें और ये बात बिल्कुल सही आपने कहा, मैं 100% आपसे बात में सहमत हूँ कि ये वन वे वाले लोग हैं, ये सदन में चर्चा चाहते नहीं है, ये लोकतांत्रिक है ही नहीं है। चलिए ठीक है विवेकानंद जी, महेश वर्मा जी कुछ कह रहे थे, हमने ये बात सुनी आपकी, आप क्या दिखाना चाह रहे थे, अब उनकी बात भी सुन लेते हैं जी। कहिए महेश वर्मा जी। जो जयराज जी दूसरा जो हथियार होता था विपक्ष का वो था ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जी जी, जिसके जरिए जो है विपक्ष जो है अपनी जो शून्यकाल या प्रश्नकाल में जिन चीजों को लेके वो खड़ा होता था वो इनके जो सरकार के बिल होते थे, जो इनकी कमियां होती थी, पूरे देश का ध्यान जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए जो है वो आकर्षित करता था। आप बता दीजिए जयराज जी, हम और आप कुछ भी प्रश्नकाल शून्यकाल और ध्यानाकर्षण का आज तक कभी तक विपक्ष की किसी ऐसी मांग को या ऐसी चीज को या ऐसे सवाल को या ऐसे मुद्दे को आपने सुना? नहीं सुना। यही सबसे बड़ी संसद की जो विपक्ष की जो एक भूमिका है यही तय नहीं हो पा रही है। तो संसद का एक जो खूबसूरती है जहां सत्ता और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है दोनों नोकझोंक करते हैं, लेकिन वो देश के लिए कुछ करने की खातिर कुछ जनहित में कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि सरकार मजबूर हो, विपक्ष जो है सरकार को भी मजबूर करे और हम एक ऐसी चीज का निर्माण करें जो जिससे कि देश का भला हो, देश का विकास हो। चलिए ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो कहीं नहीं जाओ कि सरकार का ही काम है, नहीं है देश। चर्चा हमारी लगातार जारी है। विवेकानंद जी आपके पास आना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, अपनी बात रख सकते हैं। ये है कि कितना गुमराह करते हैं लोग। अरे भैया ध्यान आकर्षण जो होता है प्रस्ताव
वो सिर्फ मंत्री के लिए होता है और पूरे सदन के लिए नहीं होता है। और मंत्री जरूरी नहीं है कि उसी समय जवाब दे, वो बाद में भी जवाब दे सकता है। क्या बेवकूफी भरा काम करते हैं, मतलब ज्ञान चश्मा लगा के थोड़े जो है कि बुद्धिजीवी हो जाता है कोई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है थोड़े पर्सनल कमेंट्स आप मत करिए विवेकानंद जी, यहाँ पर थोड़ा अपनी बात रखिए लेकिन भाषा पर संयम रख के बात करिए, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके बात करिए जी। लेकिन जायरा जी बरगलाने का काम भी तो नहीं होना चाहिए। ये फैक्ट है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो होता है वो मंत्री से रिलेटेड होता है और मंत्री उसका जवाब। महेश वर्मा जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, शायद आप म्यूट पर हो। वो तुरंत दे या बाद में दे। दूसरी चीज कि ये लोग कभी भी चर्चा चाहते नहीं है सदन में। ये तानाशाही सरकार है, ये केवल वन में की सरकार है। वो केवल अभी कभी भी आप देखिए जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हुए हैं उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं किया, कानून नहीं बनाया, सिर्फ अध्यादेश के माध्यम से अपने एजेंडा सेट करके कानून बना दिया और थोप दिया देश के लोगों पर, थोप दिया देश के ऊपर से। प्रधानमंत्री जी आते हैं रात में 8 बजे, कहते हैं कि भैया नोटबंदी हो गई, अब आपका नोट नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी आते कहते हैं भूमि अधिग्रहण बिल हो गया, ये अध्यादेश है ले लो भैया। प्रधानमंत्री जी आते कहते हैं कि 3 काले कानून आ गए हैं इसको ले लो भैया। प्रधानमंत्री जी आते कहते हैं कि रेल बेच देंगे, बेल बेच देंगे, गेल बेच देंगे, बैंक बेच देंगे, पूरा देश की एक एक प्रॉपर्टी प्रधानमंत्री जी बेच दे रहे हैं। कोई चर्चा का मुद्दा है कोई पर चर्चा नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं। और आप देख रहे हैं सिर्फ मन की बात करते हैं। और सही कहा हमारे संजय चक्रवर्ती जी ने, कभी भी ये सरकार एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत है, मैं खुले तौर से कहता हूं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, देश के पत्रकारों को बुला ले और खुले तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की बात रख देना, एजेंडा रख देना अपनी बात, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया खुला पत्रकार वार्ता कर ले। नहीं, 7 साल हो गए, पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के लोग तरसते रह गए कि प्रधानमंत्री जी एक बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। आते हैं संबोधित करते हैं, वन वे ट्रैफिक में बोलकर चले जाते हैं, सुनना नहीं है। विरोध से डरना है, महिलाओं के विरोध से डरना है। चलिए ठीक है विवेकानंद जी, आपकी बात हम समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसी को मौका नहीं देते अपनी बात रखने का, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी आप क्या कहेंगे, आप जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं लगातार डिबेट में। जी दर्द हो जाएगा, अभी तो दर्द और होगा 2022 में। चलिए ठीक है, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात। चलिए आप अपनी बात रख दी है ना, आप शांत हो जाइए थोड़ी देर। संजय चक्रवर्ती जी आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही इस तरीके से आए दिन स्थगित हो जाती है, ये सिर्फ पहली बार शीतकालीन सत्र में नहीं हुआ है, इससे पहले भी मानसून सत्र में यही स्थिति देखने को मिली थी और यही उम्मीद अब बजट सत्र में भी लग रहा है कि यही होने वाला है। ये हमें पहले कहा बजट सत्र भी ऐसे ही होगा, इसी तरीके से चलेगा, क्यों? क्योंकि सरकार किसी मुद्दे पे ध्यान देने नहीं चाहती, सरकार सुनना ही नहीं चाहती, जनता के मुद्दे को सुनना नहीं चाहती। इनको पता है कि इनके पास रामबाण है। रामबाण क्या मतलब? राम की बाण चलाएंगे, काशी की बाण चलाएंगे, मथुरा की बाण चलाएंगे, अब्बा जान, औरंगजेब, अभी इनके पास हिंदू मुस्लिम का बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये मुद्दे को लेकर के ये उछालेंगे। ये तो इनको पता है कि जनता को बरगलाना कितना आसान होता है। मैं अभी आपको सिर्फ अभी बताऊं कि अभी उत्तर प्रदेश में गेहूं, चावल, तेल, दाल, चने का चना और साथ में नमक पूरे उत्तर प्रदेश में 3-4 महीने के लिए फ्री कर दिया गया। पूरे देश में क्यों नहीं किया? क्या उत्तर प्रदेश में केवल कोरोना है, देश में नहीं है? ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी वादे हैं, चुनावी लुभावने हैं। ये अपने जो गंगा में लाशें बही थी उन लाशों का कैसे ढका जाए, किस तरह के रिश्वत देकर मुंह बंद किया जाए, ये कोशिश सिर्फ और सिर्फ इतनी हो रही है, जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है। जनता अब सांसद उसको ज्यादा देखती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि एक तरफा कार्रवाई होने वाली है। जनता के पास सोशल मीडिया के थ्रू जनता के पास पहुंचने का विपक्ष बहुत सारे साधन हैं, और विपक्ष को क्या जाने की जरूरत नहीं है, जनता खुद झेल रही है। जो बेरोजगार हो गया झेल नहीं रहा है, जिसके घर में महंगाई नहीं हो रहा है वो नहीं झेल रहा है। जो कह रहे थे 340 रुपए में जो है सिलेंडर आ जाएगा, आज वो 1000 रुपए का सिलेंडर है वो नहीं झेल रहा है। जिसके घर में रोजगार छीन चुका है, 13 करोड़ लोगों का रोजगार छीन चुका है, वो नहीं झेल रहा है। जो 200 रुपए लीटर सरसों का तेल खरीद रहा है वो नहीं झेल रहा है। किसानों को कहते हैं हमने आपके अकाउंट में 6000 रुपए दे दिए, अरे भाई यूरिया खाद 1100 रुपए का था उसको 1900 कर दिया, डीएपी खाद 350 रुपए का था उसको 1100 रुपए कर दिया। अरे आप किसानों की धोती उतार के उसके सर में पगड़ी बांध रहे हो, तो किसान का बेवकूफ है क्या? वो नहीं समझ रहा है कि वो 6000 रुपए आया कहाँ से? आप पेट्रोल का दाम जो है लगातार बढ़ता चला, महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, आप उस समिति को नहीं देख रहे थे?
जनता को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। बिल्कुल, जनता बहुत समझदार है, जनता को पता है उसे क्या करना है, उसे किसे वोट देना है, जनता को सब समझ में आता है। ठीक है महेश वर्मा जी, समय की कमी है मेरे पास और बहुत संक्षिप्त में आप अपनी बात रख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि विपक्ष की जो भूमिका है संसद में वो बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार से भी ज्यादा अगर संवेदनशील कोई भूमिका है तो विपक्ष की है, और उसके पास बहुत ऐसे अवसर होते हैं कि सरकार को यहाँ पे घेरे, सड़क पे घेरने का जो ये लोग जो अभी असंसदीय भाषा के रूप में जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये वहां संसदीय तरीके से चीजों को रखा जा सकता है। आप पूछ सकते हैं सरकार के कोरोना में आपने विवेकानंद जी आप मुझे बोल लेने दीजिए, आप अपनी बात रख चुके हैं और वैसे भी समय की कमी है फिलहाल मेरे पास, आप उन्हें अपनी बात कि कैसे बात किया जाता है। आप शांत रहिए थोड़ी देर, कहिए महेश तुम बरगला रहे हो, झूठे हो, देखिए ये तुम तड़ाक में ये क्या मतलब भाषा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, गलत बात है विवेकानंद जी, इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए जी। शर्म भी नहीं आती है, नहीं इस तरह से आप बात नहीं कर सकते हैं, झूठ बोल रहे हो, हम बिल्कुल अलाउ आपको नहीं, इस तरीके से आप बात करेंगे तो हम आपका ऑडियो डाउन कर देंगे, आपकी आवाज नहीं आएगी, नहीं चले आए हो डिबेट करने। चलिए ठीक है विवेकानंद जी, इस तरीके से आप बात करना बिल्कुल गलत है, जो भी बात है गलत बात है ये। महेश वर्मा जी बात रखिए अपनी जल्दी। मेरा सिर्फ ये कहना है जाहिर जी कि संसद की जो एक गरिमा है, संसद की जो एक परंपरा है, संसद से जो चीज निकल के निकलनी चाहिए वो इस बार नहीं निकली, उसका दुख सबको है, और इसमें विपक्ष की भी भूमिका और अब सशक्त बने, मैं ऐसी उम्मीद अपनी विपक्षी मित्रों से करूंगा, और वो अच्छी तैयारी करके आए और हमें कहीं घेरे, हमें आईना दिखाए, हमें बताए, सरकार भी इनके किसी सुझाव को अच्छे रूप में ले, सरकार जब विपक्ष का कोई अच्छा सुझाव आता है, कंस्ट्रक्टिव सुझाव आता है, तो निश्चित रूप से कई बार ऐसे हुए हैं कि कई बिल ऐसे हुए हैं जिसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं हम कि अब बजट सत्र में डिस्कशन होगा, चर्चा होगी और विपक्ष को भी मौका नहीं मिलेगा बोलने का, अगर आपकी बात सही साबित होती है तो ऐसा होगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो हमने देखा कि किस तरीके से आज सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, हालांकि कल का दिन बचा हुआ था मगर उसके बावजूद भी आज शीतकालीन सत्र को खत्म कर दिया गया है। अब देखना होगा बजट सत्र जब शुरू होता है तो क्या कुछ होता है। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।